हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। तो एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल तरफ रु मु आपण मानको स्वागत जनाउची। तो स्टूडेंट्स, आम कौन करछे ना एसएफएस आउ एलआई पई प्रिपेयर हेउचे, जहाँ कि आउ आपण मानकर बोधे 26 रे अछि एग्जाम रहिछि आपण मानकर सेप्टेम्बर 26 रे। तो आउ अल्प दिन रहिला, मु आशा करछु आपण माने डेली क्लास हमर 2टी क्लास हबो आसंता काली ठारू 2टी क्लास हे। वर्तमान गोटे आरिथमेटिक क्लास हे 8:30, जोटा एवं मुझे वीडियो माध्यम से आपण मानक बुझेबी। तो आम जो प्रिपेयर हो तो ताकि मुझे बुक नहीं आकि आपकी सहज हे आपण मान। तो ये आपण मानक देखीदे कंटेन्ट सब कौन रही, देखो आपण मान जहाँ सब दरकार एसएफएस आउ एलआई रे, तो सबुतिक रही अच्छे। देखो करेन्ट अफेयर, आरिथमेटिक, इंग्लीश, ओडिया, जेनेल आवेरने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, ये रहा आम एलआई पे कि आउ आम जो एसएफएस एग्जाम रही केवल आरिथमेटिक आसो आमर आसव जनरल अवेयरनेस, तापर आमर जो आसव कौन ना कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, ठीक अच्छे। तो से अच्छी तो एपण मैंने देखिले एथेर कंटेक्ट सब रही अच्छी, कौन से असुविधा नहीं, आम एलआई और एसएफएस दुईटा प्रिपेयर हो पार, ठीक अच्छे। ए बुकटा आमको बहुत हेल्पफुल हम। तो ये आपने देखिपे सेपरेट गोटे आम पॉपुलर आरिथमेटिक जोटा मुझ क्लास करूली, यहाँ भल बुकटा रही अच्छी जोटा आरिथमेटिक केवल यहाँ मैथमेटिक्स रही अच्छी। तो आप मैंने जानते हैं आरआई रायत ओडा लेवल क्वेश्चन सब आसाला ओडा उपर, तो से यहाँ रही आम साधारण ज्ञान जिके जोटा रही केवल ओडापी कि आपण मैंने पारे आपण मूँ कंटेन्ट मुझे देखेदे एथेर ओडिशार सबू जिते भी जिके अच्छे ओडिशार सबू दे अच्छे। तो एथरु मध्ये आमे क्लास करिबा, ठीक अच्छे। एठी आपण माने कंटेंट देखि परथिबे, तो चलंतु भिडियो टी आरंभ करिबा एवं आमर पार्ट 6 आज पढ़िबा, जहाँ कि पॉपुलर आरिथमेटिक रो आउ गोटे आम विषय चैप्टर आरंभ करिबा। तो स्टूडेंट्स चलंतु भिडियो टी आरंभ करिबा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा जाऊे एक्सपोनेंट्स विषय, तो तार कि 10 क्वेश्चन आम सल्व करी देखा, ठीक अच्छे। तो चलत भिडियो आरंभ करवा, भिडियो आरंभ करवाद आम चैनल को नुआ भिजिट करते, तो आम चैनल भिडियो को लाइक कमेंट सेयार निश्चित भाव कर दिंतु, और जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन दबाई अल् नोटिफिकेसन अन् करदेतु, जहाँफल आम छोड़ भिड मान सर्वप्रथम आप देखिपर। तो ठीक अच्छे, तो देखु आरंभ करवा कौन रही ना, फर्स्ट क्वेश्चन रही ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 5 एंड ए टू द पावर 7। तो यार वैल्यू आप किपर इजिली काढ़ी पारा, देखु ए टू द पावर आम क्वेश्चन अच्छी ए टू द पावर 5 एंड सॉरी ए टू द पावर 5 एंड ए टू द पावर कैसे 7, ठीक अच्छे। तो देख आम इजिली यार यहाँ आपण मैंने जाथे जदि गुणन थाए तो सहग को मिसेदे आम आंसर हो जाए। तो आमर गुणन ये अच्छी एवं आमर जो संख्या देखिए सेम अच्छी, तो देखु ए इंटू के 5 7 अच्छी, 5 + 7 इज्कवल टू आम के 12, ठीक अच्छे। ए टू द पावर 12 आम आंसर आसीज, ठीक अच्छे। जेहेतु आम मुझे इजिली कहीदे आप रग मन एम अच्छी इंटु एन अच्छी, तो ये आम सूत्र कौन रोच ना ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक अच्छे। तो ये अनुजाई आमर आंसर के आसला ना ए टू द पावर 12। तो देखिए थर्ड पावर ऑफ द फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू कौन पचार, तो देख सी कही दे थर्ड पावर ऑफ 4 इज इक्विवेलेंट टू के पचार, ठीक अच्छे। तो देखु थर्ड पावर ऑफ 4 के ना 4 to the power आम 3 कहींपर बाकी आम एक्सप्लेनेटरी कले 4 × 4 × 4 आम करवा, तो मिसेदे के सरी गुणीदेले आम के 4 × 4 = 16, 16 × 4 के 64, तो 64 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर 3 नंबर क्वेश्चन को आसवा ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पावर ऑफ 2 एंड द सेकेंड पावर ऑफ 3। तो देखु एटी सेम क्वेश्चन अच्छी जस्ट टे, तो देखु सेकेंड थर्ड पावर ऑफ 2 मान 2 × 2 × 2, ठीक अच्छे, केते होची 2 × 2 = 4 × 8, तो 8 पाइले आउ सेकेंड पावर ऑफ 3। तो देख माइनस आम 3 × 3 करपर ना नहीं, तो देख 3 × 3 इज इक्वल टू के 9, तो 8 - 9 इज इक्वल टू के ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पावर ऑफ 2
ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ କେତେ ନା 9 - 8 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ମାଇନସ୍ରେ ଦେଇନି, ନହେଲେ ଆମେ 8 - 9 ଯଦି କରିବା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ -1। ତ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା କେତେ। ତ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଇଫ୍ √2n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64 ଦେନ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ। ତ ସେ କହିଛି ଏଠି ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା √2n √2n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64 ହେଲେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ √2n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 64 ଦେଇଛି। ତ 2n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ କରିପାରିବା ନା 64 ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 2n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2⁶ ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ, ଯାହାକି ଆମର 2⁻² ହେବ। ତ n ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ 12 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଅପସନ୍ କେତେ, ଅପସନ୍ ଏ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 10⁵ ଇଣ୍ଟୁ 10⁸ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻ ହେଲେ ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ 10⁻ କେତେ ଦେଇଛି ନା 2⁵ ଇଣ୍ଟୁ 10⁸ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 10⁻ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 10⁵ ପ୍ଲସ୍ କେତେ କରିପାରିବା 8⁵, ଯାହାକି ଆମର ହେଇଯିବ 10⁻ କେତେ 10⁵ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻ ନା ନାଇଁ। ଆମର କାଢ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଅଛି। ତ ଦେଖ 10ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ କ'ଣ ସ୍କୋୟାର କିପରି ହେଲା ନା 10⁵ ଥିଲା, ତ ଏଠି କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ହେଇଯିବ। ତ 10ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10⁻ ସୋ ଏନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ 2 ବୋଲି କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ 27⁴ ଇଣ୍ଟୁ 3⁴ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ 3⁻¹⁰ ଦେଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଜିଲି ଆମେ କିପରି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ 27⁴ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3⁻³ର ପାୱାର 3 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ, 3 × 9 = 27 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 3⁴ ରହିଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ଥିଲା ନା 3⁻¹⁰ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଇଜିଲି କରିପାରିବା, ତ ଦେଖ 3⁻⁹ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 3⁴ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3⁻⁶। ତ ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା 3⁻⁶ 13 କିପରି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ 9 + 4 କେତେ ହେଇଯିବ 13 ମାଇନ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ଥିଲା ନା 3⁻⁶ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3⁻⁶ -10 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅଛି ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ 3⁻³ ଆମେ ଲେଖିବା, ତ ଦେଖ 3 × 3 × 3 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 × 3 = 27। ତ ଏଠି ଆମର 27 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ 6a³ bq² ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2a² c ସରି 2ab² c ଇଜ୍ କେତେ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ନା ଆମର ଦେଇଛି ଯେତିକି ଲେଖିଦେବା 6aq bq² / 2ab² c ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ 3a² bc। ତ ଏଠି ଦେଖ ସିମ୍ପଲି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା କେତେ ନା 3a² bc। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ -1⁻³ / 5⁻³ - 1 + 3⁻⁹ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କିପରି କରିପାରିବା, -1 ସ୍କୋୟାର ଆମେ ନେଇଯିବା 66,
ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय करद फाइव इनवर्स प्लस थ्री इनवर्स रही टू द पावर माइनस वन लिखीदे तो सरल कले वन टू द पावर सिक्सटी सिक्स बाय वन बै फाइव प्लस वन बै फाइव थ्री लिखिपर इजिकल टू वन बै थ्री प्लस फाइव बाय फिफ्टीन लिखिपर ना नहीं ठीक अच्छे तापर देख वन बै एट बै फिफ्टीन इजिकल टू वन बै एट इंटू फिफ्टीन जहाँकि फिफ्टीन बै एट हे तो अपसन कौटा रहा आमर देखिया फिफ्टीन बै एट अपसन बी इज द सी इज द राइट आंसर तप नौ नंबर क्वेश्चन देख एक्स टू द पावर टू बै थ्री तार होल टू द पावर माइनस टू थ्री बै फोर दे तो देख ये इजिली किपर काढ़ीपर तो ये देख एक्स टू द पावर आम लिखिपर टू बै थ्री इंटु थ्री माइनस थ्री बै फोर लिखिपर ना नहीं हाँ लिखिपर ठीक अच्छे तापर देख तार आंसर आसीज सल्व कले माइनस वन बै टू ठीक अच्छे एक्स टू द पावर माइनस वन बै टू हुई इज इक्वाल टू वन बै एक्स टू द पावर वन बै टू इजिक्वाल टू वन बै रुट एक्स तो अप्सन बी इज द रईट आनसर ये आपण मैंने देखिपे दस नंबर क्वेश्चन आसा द भैल्यू अफ द माइनस वन बै वन ट्वेंटी फाइव टू द पावर माइनस टू थर्ड बा माइनस टू बै थ्री ठीक अच्छे ये आंसर आम किपर इजिली काढ़ीपर देख एटी माइनस टू बै थ्री को प्लस करा गले वन बै से आम लिखा पड़े वन बै के वन ट्वेंटी फाइव टू द पावर टू बै थ्री ना नहीं तो ये देख माइनस वन ट्वेंटी फाइव टू द पावर टू बै थ्री आम लिखिपर ना नहीं हाँ निश्चित लिखिपर तापर देख ताक करदे के आमर ना माइनस फाइव टू द पावर थ्री इंटु टू बै थ्री लिखिपर ना नहीं देख थ्री थ्री कैनसल होगा के आसला आमर ना अच्छी के माइनस फाइव रोयर जहाँकि आम ट्वेंटी फाइव आसो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो स्टूडेंट्स आशा करें भल भाव बुझीपे जदि भिडियोट भल लगे भिडियो को लाइक कमेंट सेयार करूँ और आम चैनल को जदि बर्तमान जाए सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब निश्चित भाव में करनी तो थैंक यू सो मच देखा काल्ठ दुईट लेखा क्लास करवा।